हमारे खान पान, दिनचर्या और स्ट्रेस के चलते हमें वक्त से पहले ही बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर, हार्ट अटैक, माइग्रेन, सर्वाइकल एवं जोड़ों में दर्द आदि। अब हम ऐसे रोगों से बचाव के उपाय सीधे अपने घर में, अपनी रसोई में कर सकते हैं। जी हाँ, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद द्वारा। जिसे भी जोड़ों के दर्द की समस्या है या कमर दर्द से कोई ग्रस्त है, तो किसी भी तरह का योगासन करने से पहले एक बार वैदिक उपचार संस्था से संपर्क जरूर करें। हमारे स्पेशलिस्ट की टीम आपको ये बताएगी कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज सही हो सकती है। वैदिक उपचार के डॉक्टर से आप जांच भी करवा सकते हैं। वैदिक उपचार द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन भी कर सकते हैं। और इस सब के लिए आपको सिर्फ दिए गए नंबर्स पर कॉल करना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, आज भारत में बहुत से लोग अस्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं। कमी है जागरूकता की, कमी है सही समझ की और सही इलाज की। आप सही समय पर सही इलाज लेते हैं तो बहुत से रोग जो होते हैं वो पहली अवस्था में ही खत्म हो जाते हैं। अगर आप जागरूक रहते हैं तो आपके रोग जो होते हैं वो बढ़ नहीं पाते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि आपके जो रोग हैं वो जड़ से समाप्त हो जाए और आपको सही इलाज प्राप्त हो सके। और इसमें हम सानिध्य प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी का। बंसल जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जोड़ों के दर्द में पेन किलर्स कितने खतरनाक साबित होते हैं। आपका पूरा शरीर डैमेज हो जाता है, आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, आप डायलिसिस की तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर जब डायलिसिस की तरफ एक पेशेंट बढ़ जाता है तो उसका ठीक हो पाना कितना कठिन और कितना मुश्किल हो जाता है। तो इस अवस्था तक आप ना पहुंचे, इसी के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाता है, आपको जागरूक किया जाता है। वहीं आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज को लेकर। बंसल जी, डायबिटीज के कारण अन्य भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो शरीर में घर कर लेती हैं। व्यक्ति के जो पैर होते हैं, शरीर होता है, सुन्न हो जाता है, मतलब जीवन जीना जिस तरीके से जिया जाना चाहिए उस तरह से व्यक्ति नहीं जी पाता। नहीं, कई बार क्या होता है डायबिटीज में, जब आप सर्दी आ जाएंगी तो पैरों में सुन्नपन की जो सबसे बड़ी शिकायत हो यही आती है। उसका जो मेन कारण होता है, जो डायबिटीज में बहुत कड़वी दवाइयाँ खाई जाती है उसके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं, वो आदमी को पता चलता नहीं है। फिर क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो गाढ़ा होकर फिर जमने लग जाता है। जब जमने लग जाता है तो पैरों में न्यूमनस रहेगी, पैरों में सुन्नपन रहेगा, पैरों से चला नहीं जाएगा या पैर दबवाने को मन करेगा, या मतलब नीचे की तरफ ने फिर पिंडलियां जैसे कोई दबाता रहे, तो ये स्थिति आ जाती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट की। एक्चुअल में क्या होता है, उसमें शक्ति एनर्जी तो होती नहीं है, एनर्जी बहुत कम होती है। जैसे आम आदमी में एनर्जी अगर 100% है तो डायबिटीज़ वाले में 70 या 80% ही होती है, यानी 20 या 30% आम आदमियों से कम होती है। और जिनकी डायबिटीज़ 5 साल से ऊपर है, जो डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं, उनमें जो एनर्जी का लेवल होता है वो 60% के लगभग होता है, यानी 50-60। और जिन्होंने 10 साल से ऊपर डायबिटीज़ की दवाई खाते होंगे, उसका जो लेवल पाया जाता है वो 50% के लगभग पाया जाता है एनर्जी के मामले में। तो उनकी, क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जिनको 10 साल हो गए तो उनका न्यूमनस आएगी, या आँखों में जैसे मोतियाबिंद पहले आ जाएगा, आँखों से कम दिखाई देने लग जाएगा, ये स्थिति डायबिटीज़ वाले पेशेंट को आती है। और इसका जो मूल कारण है, अगर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी डायबिटीज़ की कड़वी दवाइयाँ आप खाते हो, उसका साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे होने लग जाता है शरीर में, जो फिर बाद में पता चलता है। एकदम में तो पता चलेगा नहीं, एकदम में तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल आ जाएगी फिर, लेकिन वो धीरे 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 सारे अंगों को कमज़ोर करती चली जाती है, आम आदमी को इसका पता नहीं चलता। तो डायबिटीज़ में जितनी हो सके ताकत की आप दवाइयाँ खाएंगे, उतनी ही डायबिटीज़ आपकी नॉर्मल आने लगेगी और लंबे टाइम तक नॉर्मल रहेगी। हम ये नहीं कहते कि उससे डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक तो नहीं होगी, लेकिन वो कंट्रोल आने लगेगी, और वो ऐसी कंट्रोल आएगी कि वो लंबे टाइम तक आपको, एक तो अंगों को ख़राब नहीं करेगी, एनर्जी देगी। तो मेन डायबिटीज में यह ध्यान रखना चाहिए, ताकत की दवाइयां ज्यादा खानी चाहिए। जी बंसल जी, इसी बीच हमारे साथ अनीता जी जुड़ चुकी हैं पंजाब से। हाँ अनीता जी, बताएं। हाँ जी, नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार जी, अनीता जी बताओ। सर जी, आप पट्टी जो बताते हैं पेट पे बांधने के लिए, सर कब बांधनी चाहिए, खाना खाने के बाद? देखो, वैसे तो जिसका मतलब पेट में गैस और कब्ज ज्यादा बनती हो या पेट मोटापा हो तो खाना खाने के बाद बांध ले, चाहे 10 मिनट बाद बांध ले। पहले 1 कप गर्म पानी पिए, उसके बाद पेट पर पट्टी बांधे, तो उससे क्या लाभ होगा, एक तो पेट कम होने लगेगा, खाना जल्दी हजम होगा। अनीता जी, कोई उपाय किया आपने अभी तक हमारा? नहीं सर,
सर मैं मोटी तो नहीं हूँ, कैसे करूँ फिर खाना खाने के बाद? नहीं बांध बांध लो, बांध मोटी मोटी का मतलब नहीं पेट मोटापा का नहीं, वो तो पेट में जो भी कोई बीमारी होगी उसको ठीक करने में। कोई उपाय किया आपने अनीता जी अभी तक हमारा? हाँ जी सर, वो गैस के कारण वो जो आप बताते पानी उसका जो आयन का, वो कितने दिन पिया अनीता जी? देखो आपको दुनिया सुन रही है, आपसे ही बहुत से लोग ठीक होंगे, तो आपने कितने दिन प्रयोग किया उसका? सर मेरे को हो गया 10-15 दिन। तो कितना लाभ मिला उससे? हाँ सर उससे फर्क तो पड़ता है, पड़ता है ना फर्क। जैसे मेरे को कब्जी होती थी उससे पेट थोड़ा साफ होने लग गया सर। होने लग गया ना, बहुत अच्छा। और वैसे भी क्या तकलीफ रहती है नीता जी आपको वैसे? सर मेरे को गैस बहुत बनती है और सर्वाइकल है सर मेरे को। तो ऐसा है ना, देखो इसका एक बार आयुर्वेदिक कोर्स भी मंगा लो अनीता जी, क्योंकि ये बीमारी को बढ़ने मत दो। गैस को मैं कह रहा हूँ कम मत समझो, गैस की जो बीमारी होती है वही हार्ट का ऑपरेशन कराती है, एक दिन हार्ट का ऑपरेशन कराती है, और वही फिर सर्वाइकल में यानी सिर में जो दर्द बनता है उसी के कारण बनता है। तो इसको आप हल्के में मत लो, एक फिर तो ये धीरे धीरे करते रहो, और साथ में एक बार आयुर्वेदिक कोर्स कर लोगे, और 2-3 महीने का होता है, ज्यादा लंबा भी नहीं होता। तो सारी शरीर दिन में कितनी बार बांधनी चाहिए? दो बार, वैसे तो दो बार बांधनी चाहिए, लेकिन टाइम ना होते एक बार बांध लो, या से रात को बांध लो, खाना खाने के बाद रात को बांध कर कमरे में ही घूम लो अपने, उससे बहुत अच्छा है। कितनी देर? आधा घंटा बहुत है? पट्टी तो आधा घंटा बहुत होती है, आधा घंटा ही होती है वैसे तो, और ज्यादा देर बंधी रहे तो कोई नुकसान नहीं है। अब जैसे सर्दी आ गई तो गर्म पानी में निचोड़ कर तब बांधे, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपने देखना ये लगेगा जैसे मैंने खाना ही नहीं खाया हो। चाहे आप देखो आज एक दिन 4 रोटी खाना और फिर 6 खाना, 6 खाने के बाद गर्म पानी पीकर पट्टी बांधना, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने खाना ही नहीं खाया हो आधा घंटे में, इतनी जल्दी फास्ट ये हो जाएगा। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को तो बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है अनीता जी, मैं बता दूँ जिनको भी डायबिटीज़ हो वो ये करके देखे। लहसुन वाला दूध जो बताते हो सर, कितनी देर उबालना चाहिए दूध में लहसुन? जैसे एक गिलास दूध ले लिया, एक गिलास पानी ले लिया, तो पानी पानी सूख जाए इतना उबाल लो अच्छी तरह। वो पिया आपने कभी? लहसुन की कलियां कितनी हो? देखो 5 से 20 ग्राम डालनी होती है, जैसे एक पूरा लहसुन होता है ना मोटा, वो आधा डाल लो, और ज़्यादा तकलीफ हो तो फिर पूरा डाल लो, उसका तो रस निकलेगा, लहसुन को तो बाहर बगा दो। पिया कभी अभी आपने? नहीं सर ये स्टार्ट नहीं किया। जिस दिन पीने लगे सर्वाइकल में ये ठीक है फिर? है जी सर्वाइकल में ठीक है सर ये? रहेगा ही नहीं सर्वाइकल में, तो बहुत अच्छा लाभ देगा, बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट। सर्वाइकल नहीं, हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, हार्ट की कभी प्रॉब्लम बन जाए तो मेरे को बता देना, बनेगी नहीं। पैरों में न्यूमनस नहीं आएगी, पैरों में सुनपन नहीं आएगा, घुटनों का दर्द नहीं बन पाएगा आपके कभी जिंदगी में। कितनी एज है अनीता जी आपकी? सर मेरी 37 है। हाँ तो देख लेना, मैं कह रहा हूँ 73 साल की हो जाओगे जब भी दर्द ना रहा आपके शरीर में, यानी उल्टी गिनती गिन लेना आज से ही 73 साल तक की, तो हमारी गारंटी। हल्दी भी डालनी है फिर दूध में? हल्दी भी थोड़ी सी? देखो हल्दी डालोगे तो बृहस्पति और शुक्र भी तो उसका करना, आपका धन भी ताना चाहिए, हस्बैंड भी आपका कहना मानना, ऐसा काम करेंगे ना हम तो उससे क्या होगा, जब जैसे ही आप दूध में हल्दी डालोगे आपका बृहस्पति और शुक्र उसका होने लगेगा, बच्चे भी कहना मानने लगेंगे, हस्बैंड भी कहना मानने लगेगा, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है। और कभी जिंदगी में कैंसर जैसी बीमारी नहीं बन पाएगी, क्योंकि कुकर्मीन होता है, कुकर्मीन पहली स्टेज पर कैंसर को ख़त्म करता है। तो आप देखना तो अनीता जी कितना ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा, ये तो लोगों को पता नहीं है बातों का, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालता है। जिसने 5-5 साल 4-4 साल हो गए ना करते हुए, उनसे आप पूछ कर देखो कितना लाभ मिलता है। बिल्कुल दर्शकों जी, प्राथमिक उपचार तो आपको बताए ही दिए जाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि भाई आपको कुछ समय के लिए राहत मिल जाए, लेकिन अगर आप जड़ से समाप्त करना चाहते हैं अपने रोगों को, तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना होगा, जिससे कि वो रोग आपके शरीर में बार बार ना पनपे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप ये कुछ प्राथमिक उपचार आप करते हैं, कुछ समय के लिए तो रिलीफ आपको मिलता है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए आराम आप चाहते हैं तो संस्थान से जुड़कर औषधियों को मंगवा सकते हैं जो पूर्णतः आयुर्वेदिक होती हैं, टेस्टेड होती हैं और बहुत से रिसर्च के बाद इन्हें तैयार किया जाता है। तो उनका सेवन करके आप अपने रोगों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं ताकि वो दोबारा आपके शरीर में घर ना कर पाए। इसी बीच अगले कॉलर जो है बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी बताए बताए। घुटने में दर्द है? घुटनों में दर्द रहा, कितने दिन से है जी? अरे ये चल रहा है 1 साल से। अच्छा 1 साल से। आपकी एज कितनी है बाबूजी? उम्र कितनी आपकी? 70 साल। अच्छा 70 साल, बहुत अच्छा। बहुत कहाँ से बोल रहे हो बाबूजी आप? हम कानपुर से बोल रहे हैं। अच्छा कानपुर से, कोई बात नहीं। तो एक तो एक क्या करो, हल्दी और शहद का लेप बना लो, हल्दी शहद और चूना, थोड़ा सा चूना मिला लेना। खानपुर में तो चूना सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि पान वहीं ज़्यादा खाया जाता है। तो हल्दी शहद और चूने का लेप बना कर एक तो घुटनों पर लगा करो बाबूजी, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि एज होगी 70 साल,
70 का मतलब होता है थोड़ी सी पोजीशन डाउन, यानी 30 साल तक आप अगर आप जियोगे तो 30 साल तक बिल्कुल स्वस्थ जियो, किसी का आपको सहारा ना लेना पड़े, लकड़ी का भी सहारा ना लेना पड़े, किसी भी बच्चे का सहारा ना लेना पड़े, मतलब आप दौड़ते दौड़ते रहो, इतना ज़बरदस्त इफेक्ट है। एक तो हल्दी शहद का लेप लगा करो, और रात को दूध में हल्दी एक छुहारा और 5-7 मुनक्का डालकर बाबू जी पिया करो, इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, क्योंकि इसके हमने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हुए हैं, एक से नहीं बहुत से पेशेंटों पर लिए हुए हैं, क्योंकि 1982 तक हम बता रहे हैं और उससे पहले से हम ये प्रयोग करवा रहे हैं जो हम पढ़ते थे, तो 1982 से इस पर हमने बहुत अच्छी रिसर्च करी है और इसके ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट आए, जिनको ऑपरेशन बोल दिया था उनका ऑपरेशन तक बच जाता है, भाई थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। और दूसरा काम आपने करना, आँख का पत्ता लिया ना, आँख का पत्ता जिसे मदार बोलते हैं, उसे गर्म करके उस पर अरंडी का तेल लगा कर उसको बांधो बाबू जी, और गर्म पानी में नमक और फिटकरी डालकर दिन में 3 बार सिकाई करो आप, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, क्योंकि घर में रहते होगे काम ज़्यादा होता नहीं होता, तो 3 बार सिकाई कर सकते हो, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नहीं तो 2 बार जरूर करो, एक बार दिन में 10-11 बजे कर लो और एक बार रात को सोते वक्त कर लो, उससे घुटनों में बहुत अच्छी आपको राहत मिलेगी। और ज़्यादा ही देखो तकलीफ़ है तो फिर एक बार वैदिक का कोर्स भी मंगाओगे तो बाबूजी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, पेन किलर से आप बच जाओगे, हम तो ये चाहेंगे। तो हमारी दवाई महंगी ज़रूर होती है लेकिन इफेक्टिव बहुत ज़बरदस्त होती है, होती महंगी है लेकिन इफेक्टिव होती है, तो उनका भी ये प्रयोग करोगे तो बाबूजी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। जी बंसल जी, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ओम प्रकाश जी हैं पंजाब से। हाँ ओम प्रकाश जी बताएं। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार ओम प्रकाश जी, बताएं सर, वेलकम। मैं 67 का हूँ। हाँ जी हाँ। मैं बाईपास सर्जरी हुआ हुआ है। क्या क्या बताया आपने, फिर बताओ। बाईपास सर्जरी हुई है। अच्छा बाईपास सर्जरी हुई है, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। कब हुई थी बाबू जी, कब हुई थी? 5 साल हो गए, यानी 62 में होगी थी, ठीक है। हाँ जी। अब मुझे स्किन की प्रॉब्लम है, मतलब स्किन में एलर्जी है। स्किन में मैं अटैक्स से लेबोट लवा रहे हैं किसे डॉक्टर दे कहन तो। अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਟ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸਪੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਸਕਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਬ ਹਾਰਟ ਮੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਕੋ? ਹਾਂਜੀ हार्ट की तो कोई परेशानी, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बस ठीक है, एक बार ऑपरेशन हो गया ना फिर भी ध्यान रखना पड़ता है, और वैसे दूध में हल्दी और लहसुन डाल के पीते रहो बाबू जी, आपको तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन की दोबारा नौबत है, अभी तो 5 ही साल हुए ना, 10 साल बाद फिर आ जाती है। नहीं नहीं सर जी। हाँ जी बताओ। कोई परेशानी नहीं है? ना ना वो तो मैं समझ गया, हार्ट की तो कोई, अभी तो 5 ही साल हुए ना, अभी तो टाइम ही ना कुछ हुआ है, कोई बात नहीं, अभी ये ठीक होगा। और इसमें क्या करो, मुल्तानी मिट्टी का एक तो लेप लगा करो, और नीम का पानी गर्म करके उसमें मिला लो, उसका लेप लगा करो। अगर ज़्यादा ही तकलीफ हो तो इसमें थोड़ी सी गंधक मिलाकर, हल्दी और शहद मिलाकर रख लो, हल्दी शहद और गंधक वहाँ पर लेप लगाओ, जो ये बार बार हो जाता है ना, ये बार बार होना बंद होगा। और इसका एक ट्रीटमेंट होता है, वो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों से एक बार पूछ कर वो करोगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा ओम प्रकाश जी, क्योंकि ये बीमारी स्किन की बढ़ जाती है, जब बढ़ जाती है तो आयुर्वेदिक इलाज इसमें बहुत अच्छा लाभ देता है। साथ में हो करो और साथ में ये उपाय करो, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा सर। बिल्कुल दर्शकों, प्राथमिक उपचार आपको बता दिए जाते हैं, अगर साथ ही आप आयुर्वेदिक औषधियों का भी सेवन करते हैं तो वो जल्दी असर करते हैं और बेहतर तरीके से आपकी जो समस्या होती है, आपके जो रोग होते हैं वो दूर हो पाते हैं। यदि आप भी किसी पुरानी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, सालों साल से इधर उधर धक्के खा रहे हैं, तो वैदिक उपचार के पास आइए।